नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ अनुष्का नामदेव। राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां बीजेपी नेता प्रीतम लोधी ने माफी मांग ली है। बीजेपी दफ्तर पहुंचकर प्रीतम लोधी ने माफी मांगी। माफी मांग कर ब्राह्मणों को बताया देवता। ब्राह्मणों को लेकर प्रीतम लोधी ने दिया था विवादित बयान। प्रीतम लोधी को बीजेपी ने किया था तलब। तो राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां प्रीतम लोधी ने जो है माफी मांग ली है। ब्राह्मणों को लेकर प्रीतम लोधी ने विवादित बयान दिया था और प्रीतम लोधी को बीजेपी ने तलब किया था और बीजेपी ने प्रीतम लोधी को तलब किया था, उसके बाद जो है प्रीतम लोधी ने माफी मांग ली है। राजधानी भोपाल से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां ब्राह्मणों पर विवादित बयान देने के बाद जो है अब प्रीतम लोधी ने माफी मांग ली है। ब्राह्मणों को लेकर प्रीतम लोधी ने विवादित बयान दिया था। प्रीतम लोधी को बीजेपी ने तलब किया था। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश चतुर्वेदी, अब जो है प्रीतम लोधी ने माफी मांग ली है, क्या है पूरी जानकारी? हाँ देखिए, बिल्कुल प्रीतम लोधी आप समय देख पा रहे हैं कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मौजूद हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से मुलाकात की है उन्होंने और अब यहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद हैं और उन्हीं से कुछ मुलाकात करने के लिए यहाँ पर प्रीतम लोधी रुके हुए हैं। आपकी बीडी शर्मा जी से मुलाकात हुई, क्या बात हुई? बीडी शर्मा जी को मैंने नोटिस का जवाब दिया है और जवाब उन्होंने ले लिया है। थोड़ी फटकार भी लगाई। फटकार लगाई? हाँ जी, फटकार लगाई। पार्टी में ऐसे काम भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता, और किसी में होते हो तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसे काम नहीं होते हैं। विवादित बयान नहीं दिए जाते हैं, इसीलिए आप अपना लिखित में जवाब दीजिए। मैंने लिखित में माफीनामा दिया है उनको। आपने जो लिखित में माफीनामा दिया है, किस तरह का, एक बार बताएंगे जरा, पढ़ेंगे इसको? इसमें दिया है कि मेरी बोली की बातों को टोड़ मड़ोड़ कर बताया गया है, और अगर मैंने कोई बात बोली भी है, उसमें कोई गलत बोला भी है मैंने, तो उसको मैं स्वीकार करता हूँ। किंतु ब्राह्मण समाज से मैं आदर करता हूं, और ब्राह्मण समाज एक हिंदुत्व समाज है और पूरे देश का रखवाला है, हिंदुत्व समाज की पहचान है। जब देवी देवताओं ने ब्राह्मण समाज को पूजा है, तो मैं तो एक प्रीतम लोधी हूं। तो मैं अपनी बात को अगर मैंने कही है तो मैं शर्मिंदा भी हूं और महसूस करता हूं। उमा जी ने मुझे डांटा और उन्हें बी डी शर्मा जी ने मुझे डांटा है, तो मैं सीधे सीधे कोई लाग लपेट न करते हुए सीधे सीधे अपनी गलती मानता हूं और ब्राह्मण समाज से क्षमा याचना मांगता हूं। ब्राह्मण समाज क्षमा मुझे को करेगी, मुझे ऐसा विश्वास है कि ब्राह्मण समाज का दिल बहुत बड़ा होता है और ब्राह्मण समाज दिल के दिल दरिया होता है। आपने ये कह दिया है कि आप अपराधी महसूस कर रहे हैं अपने आप को, ऐसा नहीं? मैंने ये किया, अगर मैंने किया, अगर कोई गलत बात की है उसकी हमें जांच करा रहे हैं। आपने की है कि नहीं? अगर कोई गलत शब्द निकल गया है मेरा, तो उसको स्वीकार करता हूं। निकला है कि नहीं निकला? निकला है, उसको स्वीकार करता हूं। स्वीकार करते हैं। अभी यहां पर खड़े हुए हैं, किससे मुलाकात करने वाले? हम सीएम साहब से मुलाकात करने वाले हैं। सीएम साहब को भी मैं एक आवेदन देना चाहता हूं, मैं अपनी बात को सीएम साहब तक पहुँचाना चाहता हूं, ताकि पार्टी भी, क्योंकि हमारी तीन पीढ़ियाँ भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ से लेकर जनता पार्टी, जनता पार्टी से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक तीन पीढ़ियां गुजरी हमारी, तो भारतीय जनता पार्टी के हम बहुत परिवार तीन पीढ़ियों के शुक्र गुजार हैं। हमें काम करने का मौका मिला है। लगता है कि आपने लिखित में माफ़ी मांग ली है, आप ये भी बता रहे हैं फटकार भी लगी है, माफ़ी मिलेगी आपको? अब मैंने माफ़ी मांगी है, लगता तो है कि मुझे पार्टी भी माफ़ करेगी और ब्राह्मण समाज भी माफ़ करेगी। ब्राह्मण समाज से भी मांगी है? मांगी, हाँ, पूरे देश की ब्राह्मण समाज से माफी मांगी। तो आज समय देख पा रहे हैं कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जो प्रीतम लोधी यहाँ पर मौजूद हैं, बीजेपी प्रदेश कार्यालय अध्यक्ष ने उनको फटकार लगाई है, ये बात खुद प्रीतम लोधी स्वीकार कर रहे हैं। अब बारी है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, उनसे मुलाकात करना चाह रहे हैं। दरअसल हम देखें तो यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं और जहाँ प्रीतम लोधी खड़े हुए हैं, ठीक ये जो गाड़ी देख पा रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की ही गाड़ी है और प्रीतम लोधी अब ये प्रयास कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हो जाए। प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात हो चुकी है, फटकार लग चुकी है, लेकिन अब मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हो जाए, वो मुख्यमंत्री से भी माफी मांगना चाह रहे हैं। बड़ी बात यह है कि प्रीतम लोधी ने स्वीकार किया है, बकायदा लिखित में उन्होंने माफीनामा लिया है, जिसमें उन्होंने लिखा है मैं शर्मिंदा हूं और उन्होंने ये भी लिखा है मैं अपने आप को अपराधी महसूस कर रहा हूँ। ये जो दो शब्द हैं बड़े अहम शब्द हैं, यानी उन्होंने ये स्वीकार किया है कि उनसे गलती हुई है। हालांकि बीच में कुछ सफाई भी पेश कर रहे हैं कि तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है, ये भी कह रहे हैं कि जो कांग्रेस ने पर आरोप लगा रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि वो लीगल कार्रवाई करेंगे। लेकिन इस समय जो प्रीतम लोधी बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मौजूद हैं और इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि प्रयास इस बात का कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हो जाए, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बाद अब वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी माफी
मांगना चाहते हैं। बिल्कुल राकेश, जैसा कि प्रीतम लोधी ने कहा कि बिना किसी लाल लपेट के वो अपनी गलती स्वीकारते हैं और उसके बाद उन्होंने माफी मांगकर ब्राह्मणों को देवता भी बताया। देखिए बिल्कुल हम कह सकते हैं कि प्रीतम लोधी पूरी तरह से बैकफुट पर हैं, जिस तरह से बीजेपी ने जो एक्शन लिया है, लेकिन उन्होंने जो माफ़ी मांगी है पार्टी माफ़ करेगी नहीं करेगी, और पार्टी ने माफ़ कर भी दिया तो जो ब्राह्मण समाज को लेकर उन्होंने टिप्पणी की थी, इस पर जो मरहम कैसे लगेगी, ब्राह्मण समाज कैसे मांग करे जो है उनको माफ़ करेगा, ये अभी बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन वो जिस तरह से बेबाकी से कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की है, उन्होंने अपनी माफ़ी मांग ली है, और ये देखिए कि प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात के बाद अब वो इंतजार इस बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री भी उनको सुनेंगे, मुख्यमंत्री भी उनसे चर्चा करेंगे। जरा एक बार समझते हैं कि आपको समय मिला है मुख्यमंत्री से बात करने के लिए? जी समय मिला है। जी समय मिला है, मुख्यमंत्री जी को मैं अपना सफाई इंग्लिश दूंगा। क्या कहना चाहते हैं, क्या दिल में क्या है आपके? मेरे दिल में ये है जो मैंने गलती की है मुख्यमंत्री जी उस पर विचार करें, और अगर किसी ने काटा पीटी की है तो उसकी जांच कराएं। जांच कराने की मांग करूंगा, जांच कराने की मांग करूंगा मैं, क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने इसको काटा पीटा है। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? मैं चाहता हूं कि जिसने गलत अफवाह फैला के नहीं रोष बढ़ाया है ब्राह्मण समाज में, तो उसको भी तो दंडित होना चाहिए। आपको लगता है कि मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे, इतनी सुनवाई करेंगे, सुनेंगे? भरोसा है मुख्यमंत्री जी पार्टी के वरिष्ठ, हमारे देश के सर्वोच्च नेतागण हैं, नेताजी हैं, और उनको बहुत अनुभव है। आप यहीं यहीं रहेंगे मौजूद, यहीं खड़े रहेंगे आप? जी यहीं खड़ा रहूंगा मैं, मुख्यमंत्री से मिलके जाऊंगा, मुलाकात करके ही जाएंगे। जी जी जी। अभी कोई चर्चा हो पाई है इस बीच, क्योंकि लंबे समय से? बिल्कुल राकेश चतुर्वेदी, अब जो है प्रीतम लोधी ने बिना किसी लाल लपेट के अपनी गलती स्वीकार कर ली, और अब जो थोड़ी देर में जो है वो मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश चतुर्वेदी हमें तमाम जानकारी देने के लिए।